हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एनसीईआरटी ने रिलीज किया है, जिसमें उसने बताया है कि एनसीईआरटी ने बोला है कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं उसको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो हम देखेंगे ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ पे है और आप कैसे जो इसका है वो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए जाए इन टाइप्स के जो वीडियोज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं उसको निकाला है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसीज हैं ये आपको मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, ठीक है, तो इन्होंने जितनी वैकेंसी निकाली वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में निकाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं उस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को कि ये नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर टाइप करिए ncert.nic.in। जैसे ही आप ncert.nic.in पर क्लिक करेंगे वैसे ही नया विंडो ओपन होगा। तो इस विंडो पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है www.ncert.nic.in, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा जिसपे जो एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगी। इसके बाद आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा। जो सेकंड अनाउंसमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो जी हाँ, इसमें लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट को भी निकाला गया है। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं इस अनाउंसमेंट को। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया विंडो ओपन होगा। तो इस नए विंडो पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो नेम ऑफ पोस्ट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो ये जो पांच पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं एनसीईआरटी की तरफ से। तो इसके साथ ही साथ इसमें देखिए इसका जो ग्रेड पे है वो भी दे रखा है, यानी कि पे स्केल। तो पे स्केल को रिवाइज किया गया है, तो इसका जो प्रोफेसर का जो प्री रिवाइज स्केल है वो है ₹37,400 to ₹67,000। साथ साथ इन्होंने वैकेंसी को भी यहाँ पे बता दिया है। तो प्रोफेसर के लिए तो टोटल वैकेंसी वो 38 है, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की 83, असिस्टेंट प्रोफेसर की 142, लाइब्रेरियन की 1 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी हैं। तो चलिए इसके लिए हम इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है आपको वो इंग्लिश में भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हिंदी में मिलेगा। ठीक है, तो आप जिसमें आपका सहूलियत हो आप वो जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि अगर आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। तो हम इंग्लिश में डाउनलोड करते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए एक नया विंडो ओपन हुआ जिसमें कि जो एडवर्टाइजमेंट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वो डाउनलोड हो गया है। ठीक, आप देखिए इन्होंने क्या किया है कि पोस्ट और वैकेंसी दे रखी हैं। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ इन्होंने जो स्पेशलाइजेशन है वो दे रखा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे प्रोफेसर की जितनी भी वैकेंसी हैं, साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है उन्हें क्लियरली मैंसन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख ले दें तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की SC में 1, ST में 1, OBC में 1 और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की SC में 1, OBC में 1 और EWS कैटेगरी में 1 जो वैकेंसी वो दे रखी है। तो इसी तरह इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसे एजुकेशन में वैकेंसीज को, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए जो वैकेंसी है वो मेंशन कर की रखी है। तो देखिए ये एजुकेशन का होगा। इसके जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिक्स में भी ये मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हैं सबकी वैकेंसी जो है एनसीईआरटी ने निकाल ली है। तो चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हर सब्जेक्ट में ये तीनों जो कैटेगरी है उनमें वैकेंसीज प्रेजेंट है। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सब में आपको वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद आप इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो भी देख सकते हैं। तो पे स्केल मैंने जैसे आपको बताया, आपको पहले पेज पे स्केल आपको मैंने बता दिया था।
तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग पे स्केल है। अब इसके बाद अगर आप जिसमें भी आप एलिजिबल हो तो आप वो जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, अगर साइकोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है MA इन साइकोलॉजी, PhD इन साइकोलॉजी, और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो स्पेशलाइजेशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल है तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर का भी दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे रखा है। तो इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको मिलेगी, और साथ ही साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि इसमें हम देख लेते हैं, ये साइंस एजुकेशन है और एलिमेंट्री एजुकेशन है। ऐसे ही आप स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं, अगर हम जूलॉजी का एग्जांपल ले लें तो जूलॉजी में देखिए, प्रोफेसर अगर आपको जो पोस्ट का नाम प्रोफेसर है तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन जूलॉजी होनी चाहिए और PhD इन जूलॉजी, मतलब आपको PG इन जूलॉजी होना चाहिए और साथ ही साथ PhD जो है वो मैंडेटरी है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने बता रखा है MEd या MA होना चाहिए, तो ये डिजायरेबल है। अगर आपके पास MEd या MA नहीं है, अगर आपने MSc किया है जूलॉजी में और PhD भी जूलॉजी में किया है, तब भी आप जो है इस पोजिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी है, स्टैटिस्टिक्स में भी, हिस्ट्री में भी। तो आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो तो आप जस्ट उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। अगर आप उसके लिए एलिजिबल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो आप ये फॉर्म को जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी जो वैकेंसीज है, मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो अब हम स्क्रॉल डाउन करके इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है उसका जो कितना फ़ी है वो सब देख लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एंड में मिलेगा जनरल कंडीशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ये NCERT वेबसाइट पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये 29 जून 2020 को ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब इसका जो लास्ट डेट है वो है 3rd August up to 5 PM। तो आपको 3rd August up to 5 PM जो है आप ये जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 3rd August है, टिल 5 PM यू कैन फिल द फॉर्म। इसके साथ ही साथ आप एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। तो वो स्टूडेंट जो OBC जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़ है। वहीं जो अदर कम्युनिटी है जैसे कि SC ST PWD और वुमेन, ठीक है, तो उनके लिए जो फी पेमेंट है वो फ्री है, यानी कि आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है SC ST PWD और गर्ल्स या वुमेन्स को, तो उन्हें कोई भी फी पेड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया फी पेमेंट का। इसके साथ ही साथ आप जो हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हम दे रखे होंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे फॉर्म डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाई OBC कैंडिडेट, मतलब अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ये जो फॉर्म है ये फिलअप करना है और सबमिट करना है। ठीक है, साथ ही साथ मे भी आपको OBC का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि NCERT ने ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सबके लिए जो वैकेंसीज हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबके लिए निकाला है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो आप डायरेक्टली NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले टाइम बताया, कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे जो मेरा वीडियो है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।